गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर अजय। वेलकम ऑल ऑफ यू इन डिजिटल क्लासेस प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूरू फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, राय स्पोर्ट्स स्कूल एंड RIMC। स्टूडेंट्स, ये अपने सब्जेक्ट साइंस विज्ञान की क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख चिकित्सा उपकरण। यानी कि आज हम जो चिकित्सा के क्षेत्र में उपचार के लिए जो विभिन्न उपकरण काम में आते हैं, प्रमुख उपकरण हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला उपकरण है पेसमेकर। उपकरण का नाम है पेसमेकर। पेसमेकर वह उपकरण है जो हृदय की गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर वह उपकरण है जिसे हृदय की गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। पेसमेकर क्या उपयोग में आता है? पेसमेकर वह उपकरण है जो हृदय की गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पेसमेकर हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो सेकंड है आपका, वह है कम्यूटेड टीमोग्राफी स्कैन। तो कम्यूटेड टीमोग्राफी स्कैन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CT स्कैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये CT स्कैन या कम्यूटेड टीमोग्राफी स्कैन क्या है? कम्यूटेड टीमोग्राफी स्कैन है वह संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। कम्यूटेड टीमोग्राफी स्कैन है या CT स्कैन है वह संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो CT स्कैन या कम्यूटेड टीमोग्राफी स्कैन का उपयोग क्यों किया जाता है? CT स्कैन का उपयोग संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपके थर्ड है, तीसरा है, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपके फोर्थ है, वो है ऑटो एनालाइज़र। आइए देखते हैं ऑटो एनालाइज़र ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑटो एनालाइज़र का उपयोग ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑटो एनालाइज़र का उपयोग किस में किया जाता है? ऑटो एनालाइज़र का उपयोग ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ।
इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का उपयोग मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का उपयोग मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है एमआरआई। पहले तो एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही से पता लगाने के लिए किया जाता है। एमआरआई का प्रयोग संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृतियों का सही पता लगाने के लिए किया जाता है। एमआरआई का उपयोग क्यों किया जाता है? संपूर्ण एमआरआई का उपयोग संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए किया जाता है। ये हमने आज जो प्रमुख चिकित्सा उपकरण है उनके बारे में स्टडी की। इनको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।